हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सीए जोन में। तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और फर्स्ट फेज़ में आपका वही बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, एलएलबी 5 ईयर्स, बीजेएमसी, बीएलएड, और यहाँ पे हम बात करें तो बीवीए, बीएफए की जो सीट्स हैं वो यहाँ पे अब अलॉट होना शुरू हो चुकी हैं। 16 से 18 सितंबर में आपसे चॉइस लॉगिन करवाई गई थी, और वहाँ पे अगर हम पूरा पूरा ओवरऑल बात करें तो लगभग 8,000 स्टूडेंट्स ने जो है चॉइस फिलिंग अपनी लॉक की थी। और अब जो है आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आज 21 को 12 बजे के बाद से आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। हालांकि आप अभी भी देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा है कि सर मेरे में ये इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ रहा है, तो क्या मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ मिली है? तो हाँ, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे जैसे ये स्टूडेंट हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो कि इनका लिखा हुआ है बी कॉम एन ई पी 4 ईयर्स प्रोग्राम SF, ठीक है। इनका सेल्फ फाइनेंस में है लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस ही मिला हुआ है, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में क्या है कि सीट्स जो हैं वो ज़्यादा, मतलब जो आपका जो सीट होती है उसका पूरा पूरा फ़ीस आपको देना पड़ता है, मतलब फ़ीस जो है वो आपकी डिफ़र कर जाती है, फ़ीस थोड़ी सी हाई हो जाती है, ऑलमोस्ट 3 to 4 times आपकी यहाँ पे फ़ीस आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा अगर आपको सीट अलॉट हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस में। तो वहीं अगर हम एक और स्क्रीनशॉट आपको दिखाते हैं जो कि दूसरे कॉलेज का यहाँ पर दिखा रहा है, जिन स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ नहीं मिली है उनका यहाँ पर कुछ और कॉलेज का नाम लिखकर आएगा, जो मैंने आपको अभी कल वीडियो डाली थी और आपको इन्फॉर्म किया था कि चॉइस लॉक का रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो वहाँ पर आप देखोगे तो उस स्टूडेंट का जो कॉलेज का नेम है वो अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब बात आती है कि क्या अगर मेरे को ऐसे दिखा रहे हैं तो क्या मेरा जो सीट है वो पक्की है? तो हाँ, अगर आपका ऐसा दिखा रहे तो सीट आपकी पक्की है, लेकिन आपको आज 12 बजे के बाद, या मैं बताऊं तो 4-5 बजे के बाद आपको क्या करना है, फ़ीस सबमिट कर देनी है अपनी सीट के लिए, तभी वो और पक्की हो जाएगी। और फिर जो अलॉटमेंट लेटर है वो आप डाउनलोड करो कर पाओगे जब आप यहाँ पे सीट की फ़ीस आप सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो उसमें आपकी जो फ़ी रिसिप्ट है और आपकी डिटेल्स वगैरह हैं वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का छोटा सा एक फॉर्मेलिटी होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से, वो जब नोटिस आएगी तब हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आगे हम बात करें, उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर फैमिली में है तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में आपको सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो यहाँ पे आगे हम अगर देखें कि आपका अपग्रेडेशन की जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, तो अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी आपका जब अभी ये 12 बजे फीस पोर्टल वाला जब ओपन होगा तब भी अपग्रेडेशन की चीज़ भी आपके सामने दिखने लगेंगी। जब वो दिखेंगी तो उसके लिए भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, इसीलिए इस वीडियो को सब पहले शेयर कर दीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ें पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।